स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है ना। तो अब जो है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को जो है डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर फाइंड करने हैं हूज सम इज 27, यानी कि दोनों को जोड़ने पर जो है हमें 27 मिलता है, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट इज 182, और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 182 है। तो हमें ये दो नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो इसमें जो है हम एक नंबर को एक्स मान लेते हैं तो दूसरे को वाई मान लेते हैं, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई हम इस तरह से दो नंबर नहीं ले सकते। हमें वेरिएबल एक ही लेना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमेशा जो है वो एक ही वेरिएबल में होती है, ठीक है ना। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके हम इसके अंदर हम दूसरे वेरिएबल नहीं ले सकते, यानी कि हम एक नंबर को मान लो एक्स ले लें और दूसरे को वाई ले लें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें एक्स ही लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स ही एक ही वेरिएबल होता है। तो इसको हम करने का तरीका देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि एक नंबर को तो हम एक्स ले लेंगे, ठीक है, और हमें बताया गया है कि दोनों नंबर को जोड़ने पर जो उनका सम है, जो टोटल आता है, वो 27 आता है। तो यानी कि एक नंबर को हमने एक्स ले लिया, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, 27 में से हम एक्स माइनस कर देंगे तो वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो इसमें हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट द वन नंबर बी एक्स, ठीक है। हमने एक नंबर तो एक्स ले लिया, अब हमारे पास दूसरा नंबर क्या हुआ, देन द अदर नंबर, देन द अदर नंबर बी कितना होगा, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, यानी के दो नंबरों का टोटल 27 है, ठीक है। एक नंबर हमने x मान दिया, तो दूसरा नंबर कितना हो गया, 27 में से हम माइनस एक्स कर देंगे तो वो दूसरा नंबर हुआ हमारा। तो देन द अदर नंबर भी 27 माइनस एक्स। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो नाउ लिखेंगे हम, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ According to the question, the product of two number is the product of two number is 182. ये हमें given है, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 27 माइनस एक्स, ठीक है, एक नंबर हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा है 182 के बराबर। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके इसे और जो है हम दो नंबर निकालेंगे। तो इसको कर लेते हैं, तो इसको करेंगे हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से x मल्टीप्लाई हुआ तो ये 27x हो गया, और माइनस x से x मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लेके आएंगे इक्वेशन को, और उसके बाद जो है हम इसे फैक्टराइजेशन करके और जो है इसके नंबर्स निकालेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये हम माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसको हम इधर इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि ये हम प्लस का हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाने पे जो है माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, और ये 27x है ये इधर जाएगा तो ये 27 माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस 27x और ये प्लस 182 है ये, तो ये 182 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन करके
उससे हमें इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और हमेशा हमारे पास दो रूट की वैल्यू दो ही जाती हैं, तो हमारे पास वो दो नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास मिडल टर्म है 27x, इसको हम स्प्लिट करेंगे, और इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जो भी दो टर्म्स हमारे पास आए उन दोनों का टोटल तो 27 हो, और अगर उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 180 × 1 यानी कि 182, तो उसका प्रोडक्ट इतना है, मल्टीप्लिकेशन इतना है। तो इसको हम इस ढंग से इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर्स बनाएंगे इसके हम, तो फैक्टर्स हमारे पास बन के आएंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक तो हमारे पास फैक्टर बन जाएगा -14x, और दूसरा हमारा आ जाएगा -13x, यानी कि 14x और 13x इनको अगर हम जोड़ें 14 और 13 को, तो ये 27 हुआ, ठीक है ना। 14 और 13 अगर आपस में हम जोड़ेंगे, 14 और 13 ये 27 आ गया इन दोनों का टोटल, तो ये 27 हो गया। और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 14 × 13 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 12 = 2 = 1 हासिल, 3 × 3 = 4, 4 × 1 = 2, 8 × 1, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ गया। तो ये 182 है ही है, 182 × 1 = 182, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक फैक्टर इसका 14x हुआ, दूसरा 13x हुआ, तो ये हमारे फैक्टर हो गए इसके 27x के, ठीक है। इसके हमने फैक्टर कर लिए, और अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके इसके रूट निकालेंगे, और रूट से हमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ये दो टर्म एक साथ लेंगे, दो एक साथ लेंगे, तो इन दोनों में से क्या है कि हमें एक्स कॉमन मिल गया, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स माइनस 14, और यहाँ हम ले लेंगे माइनस का 13, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स, अंदर हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस अगर हम 13 कॉमन लिया हमने 182 में से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 = 0, ठीक है। अच्छा, अब एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 14 इनको एक साथ कर देंगे, एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 = 0। अब एक्स माइनस 14 = 0 और एक्स माइनस 13 = 0, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स इजिकल टू, ये 14 इधर आएगा तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, और इधर हम करेंगे तो ये 13 इधर आएगा तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो नंबर निकल के आ गए, एक नंबर हमारा निकला 14 और दूसरा नंबर हमारे पास निकला 13, ठीक है। या पहला नंबर 13 हो गया तो दूसरा नंबर 14 हो गया, या पहला नंबर 14 हो गया दूसरा, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए एक्स के, एक 14 नंबर आ गया, एक 13 नंबर आ गया। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ें, फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों का सम जो है 27 आ रहा है, ठीक है ना। 14 को 14 में 13 प्लस कर दें तो 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182, और इन दोनों को हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये इसका जो प्रोडक्ट है वो 182 आएगा। तो इसका मतलब एक नंबर हमारा 14 है और दूसरा नंबर हमारा 13 है, तो हम लिख देंगे हैंस द वन नंबर इज 13 एंड द अदर नंबर इज 14। तो ये हमारे पास दो नंबर निकल के आए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था जो कि मैंने आपको बड़े इजी वे में समझाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं महसूस आ रही हो, महसूस हो रही हो, या कुछ आपके नहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो आप उसको जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए खूब, और मतलब प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने साथियों को बताइए इसको, वीडियोज़ को। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे जो है बड़े अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो तब तक ओके, बाय, थैंक्स।